दोस्तों मेरा जो तरीका होगा सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। आप देख सकते हो दोस्तों, आप इसकी वजह से कितना हैवी लोग हम हैंडल मोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें गैप मिल जाता है और वो इस बड़े वाले। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल थिंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, आज मैं अपनी बाइक पल्सर 150 के फ्यूल टैंक पे छोटे से स्टिकर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो मेरी बाद में आने वाली थी, लेकिन मैं इसे पहले ही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो मॉडिफिकेशन दिखाने वो शायद ही पूरे यूट्यूब पर किसी ने अपलोड की होगी। अब क्योंकि मुझे वो मॉडिफिकेशन करने के लिए इस काम को करना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले इसे आपको दिखाया, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि ये तो पहले था ही नहीं, आपने ये तो करके दिखाया ही नहीं, और वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले ही दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो दोस्तों आज मैं अपने फ्यूल टैंक को मॉडिफाई करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपना ये फ्लैप कवर खोल लिया है। ओके, और मैंने एक बार अपने इस पूरी फ्यूल टैंक को लैमिनेट कराया हुआ है, इस पूरे फ्यूल टैंक को लैमिनेट कराया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे एयर ले लेने की वजह से इसमें कुछ कमियाँ आ गई थी, वो मैंने रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं निशान साहब को दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने गोल कट करके निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर सही से ये पेस्ट नहीं हुआ था, और मैंने यहाँ से भी एक पट्टी सी निकाल ली है, गौर से देखने पर आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ भी ये सही से पेस्ट नहीं हुआ था। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को आज मैं फिर से मॉडिफाई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की पट्टी देने वाला हूँ, और यहाँ पे भी एक ब्लू कलर की पट्टी देने वाला हूँ, और इस पर भी मैं ब्लू कलर का ही विनाइल रैप करने वाला हूँ। ओके, ये सारा खोल करके के बाद में इस पर विनाइल रैप करने की कोशिश करूँगा, चलिए देखते हैं कैसा लगता है इसके बाद में। ओके, तो दोस्तों मैंने इसका फ्यूल टैंक लॉक भी खोल लिया है। ओके, अब मैं इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ, थोड़ी सफाई वगैरह कर दूँ, उससे पहले मैं इसमें बीच में एक कपड़ा लगा लूँगा, ताकि इसका जो गर्द गुबार है, डस्ट वगैरह है, वो इसके अंदर ना जाए, फ्यूल टैंक के अंदर ना जाए। ओके, चलिए इस पर कर लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों कुछ ऐसा लुक आया है अपनी बाइक का, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इस तरह से। मैं एक्चुअली यहाँ पर ब्लू कलर का लगाने वाला था, बट ब्लू कलर लगा नहीं मेरे से, तो मैंने इस पर मैट ब्लैक लगा दिया है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए है ना, कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से इसका साइड का लुक आएगा। ओके, देख सकते हैं, अभी मैं कर ही रहा था, मैंने फिनिश किया है अभी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे, साथ ही अपने दोस्तों को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।